सूरजपुर में छात्रों ने किया प्राचार्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, शुल्क लेकर वार्षिक उत्सव ना मनाने पर थे नाराज। अंबिकापुर में रसोईया संघ के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, बजट में बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध। सरायपाली में अवैध शराब की गई जब्त, शराब तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। अंबिकापुर में विकास कार्य में दिखा भ्रष्टाचार, 6 महीने में टूटी पुलिया। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल आलाकमान के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन कुछ सीनियर मंत्रियों से सुनने को ये भी मिला है कि इस बार 75 पार है तो ऐसे में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हार जीत की संभावना होती है तो फेरबदल करने की आवश्यकता रहती। हाई कमांड के ऊपर है, हाई कमांड के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को आंक रहे हैं और पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो, अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है, तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज़्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। सरकार गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए तमाम विकास कार्य करती है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के किए जाने वाले करप्शन से सब कुछ बेकार हो जाता है। ताजा मामला अंबिकापुर में ग्राम पंचायत डहोली में देखने को मिला, जहां नई बनाई गई पुलिया 6 महीने में टूट गई। पूरा मामला लुंड्रा विकास खंड के ग्राम पंचायत डहोली के आश्रित मोहल्ला पहाड़पारा का है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, पुलिया में मटेरियल का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आमगांव जाना है, आमगांव से बहरड़ी तो धौरपुर रोड, बहुत कीचड़ था इसमें, नाली पानी बहाव नहीं था तो पुलिया की जरूरत पड़ा। पुलिया नहीं बना, परेशानी बड़ा है, पुलिया टूट गया है, बोल्डर से जुड़ी उड़ी हुआ है। ये जड़ौली में जो पुलिया निर्माण हुआ था, इसके संबंध में आप ही के माध्यम से जानकारी मिली है, और मैं किस तरह का निम्न स्तर का कार्य हुआ है जो 6 महीने के अंदर ही टूट गया है, इसका परीक्षण करा करके जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मैं अनुशंसा करूँगा। तो टूट गया है, दिख रहा है, ये तो अब ये बना था भैया, हाँ ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, अभी तो बना है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है भैया, हम लोग बाजार करते हैं, बराबर ही रास्ता में चलते हैं, नहीं हुआ है भैया, फैन तो फूट गया, बहुत खराब बना है भैया। सूरजपुर के भैया थान स्थित शासकीय महाविद्यालय के छात्रों ने आज प्राचार्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूका। बता दें कि छात्र महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजित करने की मांग कर रहे थे, ऐसे में वार्षिक उत्सव नहीं कराए जाने से छात्र आक्रोशित थे, जहां छात्रों का कहना है कि सभी छात्रों से वार्षिक उत्सव मनाने का शुल्क महाविद्यालय ने लिया, लेकिन उत्सव नहीं मनाया गया, जिस वजह से आज पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और तहसीलदार की समझाइश के बाद छात्रों ने प्रदर्शन बंद कर दिया और प्राचार्य ने महाविद्यालय की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद वार्षिकोत्सव मनाने का आश्वासन देते नजर आए।
को लेके इनका था मेन मुद्दा कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन मनाना चाह रहे थे लोग, उसी के संबंध में उनका मेन धरना कार्यक्रम था। तो कॉलेज प्रबंधन से बात हुआ हम लोगों का, तो अब उसमें चर्चा हुआ मिलकर सभी के साथ, तो 16 मई के बाद का डेट दिए हैं कि कॉलेज में कराएंगे करके। लेकिन प्रिंसिपल महोदय नहीं चाहते कि छात्रों के लाभ मिले। एनुअल फंक्शन के माध्यम से सर छात्रों को कई सारी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी होती, उनसे उनको लाभ मिल सकता था। लेकिन प्रिंसिपल महोदय कई दिनों से यह डेट आगे पीछे करते आ रहे थे। सर विवश होकर हमने यह पुतला दहन और धरना प्रदर्शन किया, जिससे आज प्रिंसिपल महोदय आए और एनुअल की हामी भरी और एनुअल कराने की बात कही। और यद्यपि उनके मांग के अनुरूप महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया भी गया था, विगत 4 मार्च को महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाना था, किंतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो निर्धारित थे हमारे क्षेत्र के सम्मानीय विधायक महोदय, विधानसभा सत्र होने के कारण वो समय नहीं दे पाए और इसलिए हमें उसे स्थगित करना पड़ा। बच्चों की मांग के अनुरूप हमने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में जैसे ही समय मिलता है। सरायपाली में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है और एक व्यक्ति को भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ढाबे के पास एक व्यक्ति अपने पास अवैध शराब रख कर कहीं ले जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी की तलाशी करने पर उसके पास से 50 लीटर महुआ शराब पाई गई। तो वहीं अवैध शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगलतरा में पावर प्लांट के अंदर एक मजदूर ने फांसी लगा ली। पूरी घटना एसके महानदी वर्धा पावर प्लांट की है। बता दें कि मजदूर प्लांट के अंदर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, तो वहीं आत्महत्या का कारण अज्ञात है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कबीर धाम में एक नाबालिग के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि जिले में 4 नाबालिग बच्चियों से अनाचार का मामला सामने आ चुका है। मामले में नाबालिग को आरोपी ने मिठाई का लालच देकर कुकृत्य करने का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी बच्ची को अकेले छोड़कर भाग निकला। तो वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। प्रार्थिया ने कुबदूर थाना में आके बताया था कि उसकी 6 साल की बच्ची है, जिसे गांव के ही मनोहर बोर्ड ने खेत की तरफ ले जाकर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया है। उसकी सूचना पर आईपीसी की धारा 363, 323, 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। सरगुजा में रसोईया संघ का एक बार फिर से विरोध देखने को मिला, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सर्किट हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रसोईया संघ के कार्यकर्ता भी इस मिलन समारोह में आए हुए थे, जहां खाद्य मंत्री के सामने ही रसोईया संघ का विरोध देखा गया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं सहित अन्य वर्ग को भी बजट में शामिल किया गया। वहीं रसोईया संघ के लिए मात्र 3,000 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर रसोईया संघ के सदस्यों में नाराजगी देखने को मिली। सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, सिर में जलावन ढो के जाते हैं, सिर में जलावन और 1800-1300 बढ़ा है, 300 को बोला बता रहा है, 300 थोड़ी बढ़ा दिया। और मिडिल स्कूल बड़ा स्कूल में काम करते हैं और गरीब आदमी क्या करे। शासन दिए थे कि हम लोग 300 रुपया देंगे, एक दिन का मजदूरी भत्ता देंगे। हम लोग उसी में हड़ताल भी नहीं किए कि हम लोग को चलिए सरकार मान लिए हैं। आए थे उस समय वो काबू में धोखा दिए, हम लोग को कोई शासन नहीं मिला। ये भी सही है कि घोषणा पत्र में हम लोगों ने उनसे बात करके, और केवल मैं ही नहीं, घोषणा पत्र में ठीक है मेरी भी एक भूमिका रही, मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनकी राय लेने की कोशिश की, पूरे प्रदेश में प्रयास किया और जो बातें आई वो फिर कांग्रेस पार्टी ने सहमति देके
घोषणा पत्र में रखा। उस समय तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ही थे, उनकी सहमति थी। पहले मैं रिपोर्ट लेके आया, मैंने कमेटी के सामने रखी, घोषणा पत्र समिति ने सहमति दी, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, मुख्यमंत्री जी की सहमति से फिर हम दिल्ली ले गए, दिल्ली में AICC ने सहमति दी, राहुल जी उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस की सहमति से हमने घोषणा पत्र बनाया था और प्रयास ये था कि ये हमारे लक्ष्य हैं। आप घोषणा पत्र को देखिएगा तो उसमें वायदा का शब्द नहीं है, लक्ष्य था, ये हमारा टारगेट था। उसमें से कुछ हम कर पाए हैं, कुछ अभी नहीं कर पाए। आज जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सब बहन लोग उससे जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।